अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ज़मीन ज़िंदगी, ये ज़िंदगी एक ऐसा पौधा है जो उगता ज़मीन के ऊपर लेकिन फल ज़मीन के अंदर मिलता। बाकी के सारे पौधे ज़मीन के ऊपर उगते लेकिन फल ज़मीन के ऊपर ही मिलते, लेकिन ये ज़िंदगी एक ऐसा पौधा है जो उगता ज़मीन के ऊपर और मिलता खबर में इंतकाल करने के बाद। जो भी हमें अमाल करती, जो भी हमें अच्छाई बांट के चलती, जो भी हमें खिदमत करती, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल हमें मरने के बाद ज़मीन के अंदर मिलता। कुछ कमेंट आए थे कि आपकी दवा सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती, क्या बोलते? क्यों बोले तो ज़्यादा मैं मुसलमानों कुछ जो है कर तो मलकी, अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा ही। अल्लाह ताला खाली मुसलमानों की खिदमत करो बोले नहीं, खिदमत खल्क सब की खिदमत करो बोले है नहीं, तो हर एक की खिदमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या भी रिलीजियस को नहीं देख रहा हूँ, इनो हिंदू, इनो मुसलमान, इनो मुसलमान में भी डिवाइड हुई, सो इनो सुन्नी, इनो तोंडा, इनो शिया, नहीं। अगर ऐसा बाटा बाटी करे तो अल्लाह कब किस उड़ा देते है नहीं, तो कभी भी हमें बाटा बाटी करना नहीं, सबको एक निगाह से देख के चलना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसा रेमेडी बताता हूँ आपको, आपकी बीपी इंशाल्लाह हमेशा नॉर्मल रहती और कभी नहीं बढ़ेंगी आपकी बीपी इंशाल्लाह, ठीक है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, बीपी ब्लड प्रेशर है नहीं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज परेशान हैं। और ये बीपी बीमारी नहीं है, एक बॉडी का कंडीशन है जिसे हमें कुदरती तौर पे कंट्रोल कर लेना। और ये कंट्रोल कैसा करते? लहसुन और दूध, ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। ये कप दूध में तीन लहसुन के कलियां कुचल के डाल डालो, फिर आधा चमचा शहद, ठीक है, डाल के इंशाल्लाह पका के एक कप से आधा कप करके नहार पेट पीना और कान के पीछे ऐसा डेली सुबह में थोड़ा मसाज करना। ऐसा आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बीपी खुदरतन नॉर्मल हो जाती है और गोलियां आप 8-10 दिन में छोड़ देते इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, तो गुस्सा, टेंशन, डर वगैरह नहीं रहना, हसद, जलन, तकब्बुर, नफरत, अल्लाह ताला दौलत देते, शोहरत देते, इज्जत देते, बहुत सारे नेमतें देते, लेकिन जिनको अल्लाह ताला पसंद करते उनको अल्लाह ताला हिदायत देते। और वो हिदायत क्या है? नमाज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मानना, शिर्क नहीं करना। ये हर एक को नहीं मिलती है दौलत ये किसी को मिलती, जिनको अल्लाह पसंद करते उनको अल्लाह ताला ये रास्ता बतलाते, नहीं तो हर एक को नहीं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जो कुछ भी हो रहा, जितनी भी शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के तरफ से ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बहन आए हुए हैं, जो जरा बच्चे को लेकर जो बाहर, अभी जो मेरे बहन आए अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से कंटिन्यूस बीपी के गोलियां खा रहे थे, 1 महीने में उनके गोलियां छूट गए, उनके डॉक्टर खुद छुड़ा दिए और 1 महीने से गोलियां नहीं खाए, कंप्लीट नॉर्मल है उनकी बीपी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उनसे ही मिलेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो क्या क्या तकलीफ थी आपको? जोर से जरा। बंद कर, 1 महीना बंदिश है, बड़ी नहीं, नॉर्मल है बीपी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
देखिए, 7 साल की तकलीफ आपकी 1 महीने में खत्म, और बीपी एक बॉर्डर भी क्रॉस करी नहीं, कहीं क्यों नहीं करी, अल्लाह की वहां पे मदद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। डॉक्टर की औकात नहीं है कि आपकी एक एक फुंसी तक क्योर कर सके। इतने बड़े बीमारियों का इलाज और शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो रहा। और जितने भी लोग मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, अगर आप लोग अल्लाह की पहचान कर लिए और दुनिया को पहचान कराए, तो इंशाल्लाह सिवाय अल्लाह के आप किसी के मोहताज नहीं होंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरमैना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 17 तारीख को मैसूर, 18-19 होसूर, 21-22 मुंबई और 24 तारीख को विजयवाड़ा। 1 से 5 तारीख गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुम्बज, रिंग रोड। 6 तारीख को बीदर, जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाजा, चुना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर, अल सलामा फंक्शन हॉल। 9 तारीख को कर्नूल, ये एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल। 17 तारीख को मैसूर में ओल्ड एज होम। 18-19 तारीख को होसूर में मीरा महल के पास। 21-22 तारीख को इंशाल्लाह मुंबई में मुमरा, 4 मीनार लॉन मुमरा इंशाल्लाह। फिर 24 तारीख को विजयवाड़ा, इंशाल्लाह जनवरी से शुरू हो जाएगा मेरा कैंप इंशाल्लाह, और मैं बतला भी दूंगा आपको कहाँ पे आऊँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नंबर 9900366495 7775414131398197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।